हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड की। ये दिखने में हूबहू आपको 6283 एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड की तरह लगेगा, जो कि सिंगल आईसी में आता है और काफ़ी इस्तेमाल में होता है। और ये है हमारे पास सिंगल आईसी जो कि है 4440, उससे बनाया गया एक एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड जो कि मिनी है और इसको आप 12 वोल्ट से चला सकते हैं। इसमें आप 2 स्पीकर 30 वाट तक के आसानी से चला सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा है और आप इससे में और इससे आप होममेड एम्पलीफायर मिनी बना सकते हैं। और कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में से इमरजेंसी लाइट्स वगैरह के जो प्रोडक्ट है जिसमें FM रेडियो वगैरह होता है उसमें इन सर्किट्स का इस्तेमाल भी होता है। और ये देख सकते हैं आप, इसमें एक सिंगल 4440 आईसी लगी है जो कि डबल हीट सिंग इसमें लगी है। एक पीछे की तरफ मोटी हीट सिंग देख सकते हैं जिसको आप बोर्ड में भी माउंट कर सकते हैं और आगे की तरफ भी एक पतली सी हीट सिंग लगी हुई है, ये देखिए। और इसमें कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं 3 वायर जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑडियो इनपुट का वायर है क्योंकि 3 वायर बीच का कॉमन है और राइट लेफ्ट ऑडियो इन करेंगे आप इसमें से। और ये रेड एंड ब्लैक, इसमें आप 12 वोल्ट इनपुट करेंगे इसको चलाने के लिए। और ये 3 येलो वायर देख सकते हैं, इसमें से बीच का कॉमन है और दूसरा राइट और इस तरफ वाला लेफ्ट है, इससे आप 2 स्पीकर चला सकते हैं। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसमें आपको स्पीकर और पावर के कनेक्शन करने हैं और इसे ऑडियो इनपुट देना है ब्लूटूथ मॉड्यूल वगैरह से। और बहुत ही आसान कनेक्शन है, आप इससे होममेड एम्पलीफायर मिनी बना सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह के 6283 आईसी में भी एक मिनी एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड आता है और एक 2025 आईसी में भी एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड आता है जो कि मिनी होता है, वो 4 वोल्ट से भी रन करता है। ये 6283 और ये 4440 सिंगल आईसी, ये 12 वोल्ट से रन करते हैं और बहुत ही काम के प्रोडक्ट हैं। आपके कोई कॉलेज स्कूल प्रोजेक्ट हो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस आप किसी भी प्रोडक्ट में आपको इसको लगाकर अपने स्पीकर बना सकते हैं। और इसमें आपको बस साउंड इनपुट करना होगा किसी ब्लूटूथ मॉड्यूल वगैरह से और पावर इनपुट करने होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे भी इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करता रहूँ और आपको इनके यूजेस बताता रहूँ।